अशोक अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यंस फन क्लब। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कोर्स 507 के असाइनमेंट 1 के पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया कोर्स 507 के असाइनमेंट 1 का दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों का पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय शिक्षा के किन किन क्षेत्रों में समुदाय को सम्मिलित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय शिक्षा में समुदाय को सम्मिलित करने हेतु किस प्रकार सहायक है, चर्चा कीजिए। तो हमें निम्न बातों पर चर्चा करनी है दोस्तों। तो उत्तर हम लिखेंगे, समुदाय विद्यालय की निम्न गतिविधियों में शामिल हो सकता है। नंबर एक, विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में भागीदारी, विद्यालय की स्थिति, विद्यालयी संसाधनों जैसे भवनों, कक्षा कक्षों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता में भागीदारी। नंबर दो, धन सामग्री और श्रम के योगदान के माध्यम से सहभागिता। नंबर तीन, उपस्थिति कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम तथा सफाई का निरीक्षण करने के लिए विद्यालयों का दौरा करें, शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के निष्पादन पर चर्चा के माध्यम से सहभागिता। चौथा है दोस्तों, एक विशेष मुद्दा जैसे आधारभूत संरचना या शिक्षण विधि कैसे सुधारी जाए इस पर विचार के माध्यम से सहभागिता। नंबर पाँच, सेवा उपलब्ध कराने में भाग लेना, जब शिक्षक अनुपस्थित हो तो कक्षा में पढ़ाना या व्यावसायिक कौशलों, संगीत आदि की शिक्षा देना। अगला पॉइंट है दोस्तों नंबर छः, बच्चों की उपस्थिति शिक्षकों की नियमितता का निरीक्षण करना। नंबर सात, प्रोत्साहनों जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थी तक परिधान पहुंचाने का निरीक्षण करना, मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का निरीक्षण करना। अगला पॉइंट सातवां है दोस्तों, विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए सर्वेक्षणों में भाग लेकर बाल श्रम में जागरूकता बनाना, नामांकन जागरूकता में भाग लेकर। इस तरह से हम ये दोस्तों यहाँ पर हमने ये भागीदारी बताई कि जो हमारा जो समुदाय है, समुदाय वो हमारी शिक्षा समिति किस तरह से भागीदारी ले सकता है, सहभागिता अपनी दिखा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA और शिक्षा का अधिकार RTE दोनों समुदाय के समर्थन में लागू होने चाहिए तथा यह विश्वास किया जाना चाहिए या किया जाता है कि समुदाय वित्तीय समर्थन के साथ साथ शैक्षिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कर विभिन्न तरीकों से योगदान कर सकता है। यह विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षकों का निरीक्षण करने में भी सहायता करता है। समुदाय निम्न प्रकार से योगदान कर सकता है। दोस्तों अभी तो हमने सहभागिता के बारे में अध्ययन किया, अब हम जानते हैं कि किस किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। पहली अड़ेंगे दोस्तों, समुदाय एक दबाव समूह के रूप में। समुदाय विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक आदि के कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है। माने अगर कोई समुदाय चाहे तो वो किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या अध्यापक के कार्यों जो उसने संपादित किए हैं उन कार्यों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण कर सकता है। नंबर दूसरी अड़ेंगे दोस्तों, समुदाय एक संसाधन के रूप में समुदाय किस तरह से कार्य करता है। अभिभावक प्राय अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित होते हैं तथा प्राय सहायता प्रदान करने की इच्छा रखते हैं जो कि शिक्षा को सुधार सके ऐसे स्थानों में जहां अनुपस्थिति और खराब निष्पादन की विवेचनात्मक मुद्दे होते हैं, वहां अभिभावक और समुदाय के सदस्य शिक्षकों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के अंग हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि यदि जरूरत होती है तो अभिभावक भी आते हैं और पढ़ाते हैं या एक साधन सेवी के रूप में कार्य करते हैं। माने अगर कहीं शिक्षक कम है या कहीं विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो कोई अभिभावक चाहे तो वहां आकर के अध्यापन कार्य कर सकता है। वे शिक्षा प्रदान करने के एक केंद्रित अभिकर्ता हो सकते हैं। बच्चों को अभिभावक व्यावहारिक ज्ञान एवं कौशलों को दे सकते हैं। शिक्षा में समुदाय के योगदान के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न तरीकों को सुझाया गया है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया गया। पहला है दोस्तों, सभी बच्चों को नामांकित कराने में प्रणाली को सभी विद्यालयों के लिए बनाए रखना। नंबर दो, नामांकन एवं शैक्षिक लाभों के लिए अभियान चलाना। नंबर तीन, विद्यालयों के लिए धन उगाहना। नंबर चार, विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति एवं पूर्णता सुनिश्चित करना। नंबर पाँच, विद्यालय सुविधाओं को बनाना, मरम्मत कराना एवं सुधारना। नंबर छः, शिक्षकों की भर्ती करना एवं समर्थन देना।
नंबर सात, विद्यालय की अवस्थिति एवं अनुसूचियों के बारे में निर्णय लेना। नंबर आठ है दोस्तों, शिक्षक की उपस्थिति एवं निष्पादन का निरीक्षण एवं अनुकरण करना। नंबर नौ, विद्यालयों को व्यवस्थित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को बनाना। नंबर दस, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया एवं कक्षा कक्ष व्यवहार के बारे में सीखने के लिए विद्यालय सभाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित होना। ग्यारहवां नंबर है दोस्तों, कौशल निर्देश एवं स्थानीय संस्कृति सूचना प्रदान करना। अगला नंबर है दोस्तों, बारहवां नंबर है लड़कियों की शिक्षा की वकालत करना एवं प्रोन्नत करना। तेरहवां पॉइंट है दोस्तों, विद्यालय कैलेंडरों को अनुसूचित करना। चौदहवां पॉइंट, विद्यालयों के संचालन के लिए बजट का रखरखाव करना। अगला और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, प्रखंड जिला एवं विद्यालय के बीच जुड़ाव स्थापित करना। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो थे हमारे कुछ समुदाय के इस प्रकार से शिक्षा या उसकी उन्नति में भागीदारी ले सकता है, या कोई जो अभिभावक है अगर जब विद्यालय में कक्षा अध्यापक उपस्थित ना हो तो किस तरह से अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सकता है। दोस्तों ये था आज के क्वेश्चन का उत्तर। अगर आपको क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही, वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एनआईए डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जबकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।